पावटा साहिब के भाटा वाली पंचायत प्रधान पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, जिसकी शिकायतें साक्ष्यों के साथ डीसी सिरमौर को भी की गई है, जहां से एसडीएम पावटा साहिब को जांच के आदेश आए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचायत के स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार और मोहम्मद अली ने बताया कि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि गाड़ी नंबर HP17A39, जिसमें सामान ढोना बताया गया है, वह एक मोटरसाइकिल है। वहीं ट्रैक्टर नंबर HP17D75, जिसमें सामान ढोना दर्शाया गया है, वह एक एक्टिवा स्कूटर निकला है। वहीं बिल नंबर 797, जिसमें HP17E95 सामान के लिए एक टेम्पो दिखाया गया है, वह एक ट्रक निकला है। और इसमें ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर एक्टिवा का नंबर, उसमें सामान ढोया हुआ है। और जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल का नंबर दिया हुआ है, उसमें भी सामान ढोया हुआ है। और ऐसे ऐसे कई काम किए हुए हैं इन्होंने, तो इसके कारण उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में प्रधान राकेश कुमार के साथ साथ यहाँ के सचिव भी बराबर के हिस्सेदार हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने बताया कि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आपदा के दौरान भी भ्रष्टाचार पूरे चरम पर किया गया, जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण भारी नुकसान हो रहा था। उस वक्त प्रधान ने अपने नजदीकी को आपदा के नाम पर मुआवजा दिलवाया, जबकि पंचायत में आपदा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। शिकायतकर्ता दस्तावेजों के साथ बताता है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनकी स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद प्रधान द्वारा कई ऐसे लोगों को मकान आवंटित किए गए जिनके पास पहले से ही मकान और जमीन थी। इसमें रफेरी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपदा तो आई नहीं रही हमारे पाउटे में। आपदा तो ऊपर सुरमौर में आई या कुंडियों में आई, पट्टा वाली पंचायत में तो कहीं भी आई नहीं। ये आपदा में सब मकान करके ठहरेगा। कितने का मकान करे जी? 13-14 मकान है जी। अच्छा। इस बारे में साक्ष्य पेश करते हुए नरेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त भाटावाली के प्रधान ने इलेक्शन के लिए कुछ दस्तावेज पेश किए थे, उसमें भी झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया है, उसमें पुलिस ने कई मुकदमों को प्रस्तुत ना कर क्लीन चिट प्रदान की गई, जबकि प्रधान राकेश कुमार पर 420, 471, 419, 467, 468 और 120V जैसी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। तीन के दिन पहले, छुट्टियों से पहले उपायुक्त महोदय द्वारा हमें कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई थी इंक्वायरी के लिए भाटा वाले पंचायत में, जिसमें कि हम इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और अभी हम वीडियो साहब को उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है, उसके आगे तथ्य के आधार में इसके ऊपर जो रिपोर्ट है डीसा को भेज दीजिए। सर, क्या इसमें क्या मेंशन है कि स्कूटी पे माल ढोया, कुछ ऐसा मेंशन है? देखिए, उसमें अभी जो कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट है वो तो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, पर ओवरऑल जो इंक्वायरी है पॉइंट वाइज पॉइंट उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार और मोहम्मद अली ने कहा कि जल्द ही डीसी सिरमौर द्वारा इस जांच में सख्त कार्रवाई प्रधान पर नहीं की गई तो माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।